हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आवर। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इवोपोरेशन, कंडेंसेशन और सॉल्यूशन के सैचुरेटेड होने के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम ऑलरेडी विनोइंग, थ्रेसिंग, हैंड पिकिंग, इन सारे मेथड्स को हम देख चुके हैं। अब ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट सेकेंड में हम इवोपोरेशन से स्टार्ट करेंगे। इवोपोरेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम टू इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपोरेशन, यानी जल का भाप में बदलना ही इवोपोरेशन कहलाता है। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, जिसके मीडियम से हमें इवोपोरेशन प्रोसेस को समझाया गया है, जिसमें एक बीकर में हमें वाटर लेना है और उसमें 2 स्पून सॉल्ट डालना। उसके बाद उसे हमें नीचे से हीट करते जाना, कॉन्टिन्यूसली हीट करते करते आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि बीकर में वाटर नहीं बचेगा और सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अगर हमें सॉल्ट को और वाटर को सेपरेट करना है, दोनों के मिक्सचर को, तो हम इवोपोरेशन की टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इवोपोरेशन के थ्रू वाटर जो होगा हमारा, वो हीट करते टाइम भाप बन के उड़ जाएगा और बीकर में सिर्फ और सिर्फ साल्ट बचेगा। जो हमारा इवोपोरेशन होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में कॉन्टिन्यूसली हमेशा 2400 घंटे होता रहता है, बट आपको पता नहीं चलता। अगर आपने एक बकेट में वाटर रखा है, एक रिवर में वाटर है, एक पॉन्ड में वाटर है, तो वो कॉन्टिन्यूसली हमेशा और हमेशा इवोपोरेट होता रहता है, लेकिन आपको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि जो इवोपोरेशन की रेट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और जब आप उसे हीट देते हैं, जब आप उसे कॉन्टिन्यूसली हीट करते हैं, तो इवोपोरेशन की इस रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए आपको दिखता है, आपको पता चलता है। आपने देखा है कि जो हम और आप कॉमन साल्ट खाते हैं, जो बाज़ार से खरीद के लेके आते हैं, सब्जी दाल में डालते हैं, वो कैसे बनता है? वो भी इसी इवोपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही बनता है। जो भी लेक में या सी में जो वाटर होता है ना, वो नमकीन होता है, उसमें सॉल्ट होता है। तो हम उसको सॉल्ट उसमें में से निकालने के लिए हम पिट्स बनाते हैं और पिट्स में वाटर को इकट्ठा कर देते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे फिगर में दिखाया गया। हम पिट्स बनाते हैं, पिट्स में वाटर इकट्ठा कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हमारा वाटर इवोपोरेट होकर उड़ जाता है भाप बन के, और सिर्फ हमारा साल्ट बचता है। साल्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, इसलिए हम उसको बाद में फैक्ट्री में ले जाके उन्हें प्योर करते हैं, उन्हें पैक्ड करते हैं और वापस मार्केट में बिकता है। तो साल्ट भी हमारा इवोपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही तैयार किया जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड। वी हैव स्टडीड वन सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफ्टन वन मेथड इज नॉट सफिशियंट टू सेपरेट द डिफरेंट प्रेजेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। आपने अभी तक देखा कि हम एक मेथड का यूज करके सब्सटेंस को सेपरेट कर ले रहे हैं, लेकिन अक्सर हमारे टाइम लाइफ में ऐसे भी मौके आएंगे जब हम एक मेथड से चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हमें वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 7 में एक हमें सैंड लेना है और सॉल्ट लेना है। जो आपने अभी कवर पेज पे फर्स्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट में देखा होगा कि हमें सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने का दिया हुआ था, बट हम वहाँ पे हैंड पिकिंग के मेथड से उसे सेपरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको सेपरेट करने का तरीका हमें इस एक्टिविटी में बताया जा रहा है। अगर आपको सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो आपको उस मिक्सचर को एक बीकर में लेना होगा और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना होगा। वाटर ऐड करने से क्या होगा कि जो आपके मिक्सचर में जो सॉल्ट होगा ना, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, और हमारा सैंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। आप ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। तो सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे ना, जैसे आपने बीकर में मिक्सचर को लिया, मिक्सचर को लेने के बाद उसमें आपने वाटर डाल दिया, तो वाटर जो होगा वो हमारा डिजॉल्व हो जाएगा वो पानी के साथ, और बिल्कुल, और जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो तले में वाटर के जो नीचे तला होगा बर्तन का, उसमें सेटल्ड हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ये वाटर जो के नीचे जो है तले में बैठ जाएंगे, और बिल्कुल ही डिकेंटेशन की प्रोसेस की तरह जो हमारा सॉल्ट होगा वो वाटर में घुल जाएगा, और बाद में उसको हम अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे ऊपर से, और नीचे की सैंड बच जाएगी। इस तरह हम सैंड को और सॉल्ट को तो सेपरेट कर लेते हैं, अब हमें ये ज़रूरत है कि हम वाटर को सॉल्ट में से कैसे सेपरेट करें। तो वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक सॉल्ट वाला जो सॉल्ट वाला वाटर होगा उसको हम एक केतली में लेंगे, और केतली में उसके जो लिड होगी उसको क्लोज कर देंगे, और उस केतली को पर ऐसे इस तरीके से हीट करेंगे, और जब उसको हीट करेंगे ना, तो यहाँ से जो भाप बन के वाटर निकल जाएगा। वाटर हमारा भाप बन के निकलेगा,
उसके लिए हम यहाँ पे एक जो है पैन लिए रहेंगे या कुछ भी कोई प्लेट वगैरह, जो उसको खूब बहुत बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होगी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होगी। ठंडे होने से क्या होगा कि जो भाप यहाँ पे जाएगा ना, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए आइस क्यूब रखा हुआ है, और ये जो प्लेट है ना ये बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ये भाप जब इस पर जाके पड़ेगा, इससे टकराएगा, तो ये भाप की बूंदें हमारे फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वाटर में कन्वर्ट होकर इधर से देखिए बीकर में आ जा रही हैं, और कुछ देर बाद हमारी जो ये केतली है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ साल्ट बचेगा। तो इस तरह हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की कंबाइंड प्रोसेस के थ्रू जो है सॉल्ट और सैंड को सेपरेट कर लेंगे। तो हमारा कंडेंसेशन क्या होता है, इस बीच में हमने कंडेंसेशन की प्रोसेस भी हुई है। वो कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है, वो कंडेंसेशन जो होता है वो बिल्कुल ही इवोपोरेशन का अपोजिट होता है। जो वाटर वेपर से लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने की प्रोसेस है वाटर का ना, उसे ही हम कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इंटू लिक्विड, वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज होना ही कंडेंसेशन कहलाता है, और इसके अपोजिट वाटर का वेपर में चेंज होना यानी लिक्विड का भाप में चेंज होना, वेपर में चेंज होना इवोपोरेशन कहलाता है। आई होप आपको कंडेंसेशन और इवोपोरेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन के सैचुरेटेड होने के बारे में बताया गया है। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या जो वाटर होता है वो हमारा सब्सटेंस को किसी भी अमाउंट में डिजॉल्व कर सकता है, चाहे वो जितने अमाउंट में हो। इन चैप्टर फोर वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, आपने चैप्टर फोर में सॉल्युबिलिटी पढ़ी है कि कई सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में बिल्कुल पूरी तरह से डिजॉल्व होते हैं। तो वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर, व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर दीज क्वांटिटीज टू अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर डाल देंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हमारी एक पहेली की एक प्रॉब्लम भी बताई गई है कि पहेली ने जो ये केतली से सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर सेपरेट करने की थी उसमें उसको एक प्रॉब्लम आई। उसने क्या किया कि जो सॉल्ट था ना वो बहुत ही कम वाटर में ऐड किया, उसमें वाटर कम ऐड किया और सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो सी देन ट्राइड टू मेथड सजेस्ट, और उसके बाद उसी ने जिस जो मेथड बताया गया है फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का, उसी मेथड से उसने सेपरेट करने की कोशिश की, लेकिन वो सेपरेट नहीं कर पाई। उसको लास्ट में जो सॉल्ट मिला ना उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी वाटर में, जितना जितना सॉल्ट उसने डाला था स्टार्टिंग में मिक्सचर में उतनी सॉल्ट उसे फिर से ऑब्टेन नहीं हुआ। यहाँ पे एक्टिविटी 8 दी हुई है, यू विल फाइंड नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून एंड सॉल्ट एंड वाटर, पोर हाफ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। आपको क्या लेना है, एक स्मॉल पैन लेना है, एक स्पून लेना और सॉल्ट लेना और वाटर लेना, उसमें आधा कप वाटर बीकर में डालना है, एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल, और उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है वाटर के बीकर वाले वाटर में। उसके बाद उसे आपको घुमाते रहना, जब वो सॉल्ट कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाए तो आपको फिर से 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है, फिर घुमाना है, फिर इसको 1 टेबल स्पून डालना है, फिर आपको डिजॉल्व करना है, फिर डालना है। इस तरह से करते करते आप जब कुछ स्पून सॉल्ट डाल देंगे उसके बाद आप क्या देखेंगे कि वाटर जो होगा वो आपकी सॉल्ट को डिजॉल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर एक अमाउंट ऑफ वाटर है ना उसको सॉल्ट को होल्ड करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, अगर आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। इफ़ यह दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, इसका मतलब जो हमने जो वाटर लिया है उसमें अब इससे ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो सकता है। द सॉल्यूशन इज नॉट सो बी सैचुरेटेड, और इस टाइम इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। जब एक अमाउंट जो वाटर का एक कैपेसिटी हो सॉल्ट को होल्ड करने की, वो जब कंप्लीट हो जाए उस लेवल को लेवल पर पहुँच जाए तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहेली को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्यों नहीं मिला था, उसे क्यों इतनी प्रॉब्लम हुई थी जब वो सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट कर रही थी। Perhaps the quantity of salt was much more than required to form a saturated solution, क्योंकि जो उसका सॉल्ट था ना वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो अमाउंट था सॉल्ट का उससे बहुत ज़्यादा सॉल्ट उसने डाल दिया था, इसलिए जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो सैंड के पार्टिकल के साथ बीकर में ही रह गया था और वो उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए लास्ट में जो उसे सॉल्ट मिला वो कम मिला। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर, इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड। अगर आपके पास आप सॉल्ट कम नहीं कर सकते हैं, आपने ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया है तो इसकी जगह आप ज़्यादा उसकी जगह और ज़्यादा वाटर मिला के आप सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बना सकते हैं, आप वाटर की क्वांटिटी को उस टाइम ज़्यादा कर सकते हैं।
एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन अ बेकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। आपको एक सैचुरेटेड लेवल तक उसमें बीकर में वाटर लेके सॉल्ट को डालना है। जब आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए तो आपको उसको हीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, डज इट डिजॉल्व नाउ, इफ़ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस बाय हीटिंग इट। आपको क्या मिलता है जब आप उसको हीट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और डालिए, या फिर तो आप देखेंगे कि जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था, जो मतलब सैचुरेटेड लेवल के बाद भी आपने जो सॉल्ट डाला था वो भी वाटर में डिजॉल्व हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना, तो सैचुरेशन लेवल बढ़ता जाएगा। जो सैचुरेशन का लेबल होगा ना, वो सॉल्यूशन का बढ़ता जाएगा। जब आपने वाटर में सैचुरेटेड जितना साल्ट डालना था उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया था, उसके बाद आप जब सॉल्ट ऐड कर रहे थे तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन आपने क्या देखा कि जब आपने उसी सॉल्यूशन को हीट कर दिया तो उसमें वाटर सॉरी सॉल्ट डिजॉल्व होने लगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सैचुरेशन लेवल इंक्रीज करता है। इस एक्टिविटी से आपको यही बताया गया। एक्टिविटी 10, टेक टू ग्लास एंड पोर हाफ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। आपको दो ग्लास लेना है और दोनों में आधा आधा कप पानी लेना है और उसमें एक में साल्ट डालना है और उसको डिजॉल्व करना है, उसको घुमाते रहना है। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टेबल स्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स। इसी तरह आपको एक एक स्पून करके सॉल्ट डालने रहना जब तक आपका सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं होता है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून दैट डिजॉल्व इन वाटर। आपको उस कितना आपने स्पून नमक डाला आपको इसको लिखना है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी शुगर। आपको अब यही एक्टिविटी शुगर के साथ करने, जो आपने सेकेंड ग्लास में वाटर लिया ना उसमें आप शुगर ऐड करिए। आप देखिए कितने स्पून आप शुगर डालते हैं सैचुरेशन लेवल तक पहुंचने के लिए। आप नोटिस कीजिए कि क्या दोनों सॉल्ट और शुगर दोनों को जो दोनों की क्वांटिटी आपने सेम डाली थी सैचुरेशन के लिए या नहीं। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी। आपको ये ऑब्जर्वेशन सिंपली लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख बताया गया है कि जो मेथड हमने यहाँ पे विनोइंग, थ्रेसिंग, हैंड पिकिंग और कंडेंसेशन, सेडिमेंटेशन, एवोपोरेशन, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी यहाँ पे, बहुत सारे सेपरेशन के टाइप मेथड, उनमें से बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जो साइंस की लैब में भी यूज होते हैं। वी आल्सो लर्न दैट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है किसी सब्सटेंस को लिक्विड में डिजॉल्व करके। और सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। और आप सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कब बोलते हो, जब उसमें और ज़्यादा सब्सटेंस डिजॉल्व होना बंद हो जाए, वो अपनी जो लिक्विड हो अपनी कैपेसिटी को कंप्लीट कर ले, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो चुका है। यहाँ पे नीचे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जिनको आप ऑलरेडी हम चैप्टर में कवर कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की वीडियो में मिला के। अगर आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी हो तो इसके पहले की मेथड सेपरेशन के बारे में, विनोइंग, थ्रेसिंग, इन सारी चीज़ों को जानने के बारे में आप पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख लीजिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।